हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले भी अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनली आपके लिए एनर्जाइज हो करके आपको सेंड कर जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूं, आप वहां से हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके इन्हें आज ही अपने लिए बुक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होने वाली है, यानी इस रीडिंग के दौरान जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करे वो रखें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जो चीज रेजोनेट हो रही है उसे रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं हो रही है उसे स्किप करो। कार्ड जब मैं शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचो, डिवाइन से प्रे करो इस रीडिंग को देखने से पहले कि आज की इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट और करेक्ट मैसेज मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं बेसिकली क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। तो लेट अस स्टार्ट, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ वो पर्सन फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर है सिक्स ऑफ वन। ठीक है, द स्टार। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, और बॉटम में हमारे पास है नाइट ऑफ वैन। ठीक है, तो जो जोडियक साइंस फिलहाल मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, ये एनर्जीज यहां पर फिलहाल देखने को मिली हैं। अभी और कार्ड्स निकालेंगे तो और जो जोरियक साइंस आएंगे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, पर फिलहाल जो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, आई कैन लिटरली यहां पर जो मुझे देखने को मिल रहा है ना, मे बी बहुत ज्यादा बर्डन इस रिलेशनशिप का आपने उठाया, ज्यादातर बर्डन जो है ना इस रिलेशनशिप का वो आपने उठाया है। आपने बहुत हार्डवर्क करा है बेसिकली, मुझे दिख रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर भी आपने इस शख्स की हमेशा हेल्प करी है, और कभी भी जैसे आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आपने बहुत ज्यादा ओवरडू इस पर्सन के लिए करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इस शख्स को मे बी किसी लाइक जॉब की अगर जरूरत थी, तो आपने अपनी नींद खराब कर आपने पूरा हार्डवर्क कर भी इनकी हेल्प करी है जॉब फाइंड करने में, या फिर अगर इन्हें पैसे की जरूरत थी और अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने कहीं से उधार लेकर भी इन्हें पैसे दिए, फाइनेंशियली इन्हें सपोर्ट करा। ठीक है, सो मतलब इट्स लाइक एन एग्जाम्पल कि जहां पर आपने एक्सट्रीम लेवल पर इस शख्स की मदद करी है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जाकर, बहुत आगे जाकर। ठीक है, और बदले में आपको कुछ एप्रिसिएशन, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं मिला इस शख्स से। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली मुझे दिख रहा है जैसे इस रिलेशनशिप का ज्यादा बर्डन आपने उठाया, ज्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में जैसे आपने डाले हो। ठीक है, इस पर्सन ने मे बी फ्रॉम द स्टार्टिंग आपके सामने लाइक बहुत जैसे अगर मैं सही वर्ड्स में कहूँ ना तो बहुत डींगे हाकी। ठीक है, वो कहते हैं ना हमारे में डींगे हाँकना, यानी बहुत ऊंची ऊंची बातें करी इस शख्स ने आपसे। इट इज दैट एनर्जी जहां पर इस पर्सन ने आपको, जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने यही कहा कि तुम्हारे साथ ही मैं फ्यूचर देखता हूँ, तुम्हारे साथ ही मुझे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही मुझे लाइक आगे लाइफ बितानी है, और काफी होप्स आपको दी, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी थी इस शख्स के लिए। ठीक है, मतलब बहुत चीजें करी शख्स ने, लेकिन जब रियलिटी में इन चीजों को निभाने की टर्न आई तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये शख्स उन चीजों को निभा नहीं पाए। ठीक है, तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस इस शख्स ने रखे हैं। और भी कार्ड्स निकालते हैं तो हमें और क्लियर होगा आपके पार्टनर की एनर्जी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लियरली बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ वैंड क्या बताना चाह रहा है? गाइस, सिक्स ऑफ वैंड इज एन एनर्जी ऑफ मैरिज, और उसी के साथ एम्परर की एनर्जी उठ कर आ गई। माय गॉड, ओके, फर्स्ट
फाइंड द स्टार के लिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए वी हैव द हायरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स के लिए देखते हैं, सेवन ऑफ कप्स के लिए वी हैव एनर्जी ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के लिए वी हैव एनर्जी ऑफ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वैंड. ठीक है, नाइट ऑफ वैंड के लिए वी हैव एनर्जी ऑफ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ना इट इज ऑल अबाउट. देखिए सबसे पहले तो जो जोडियक्स मुझे यहां पर देखने को मिले हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहां पर. ठीक है, आपको ना कहीं इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपको आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर करा है. ठीक है, मतलब आपको ना जब आप इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको रेड फ्लैग्स नहीं मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको आपकी इंट्यूशन तब आपको कह रही थी यार कुछ तो गड़बड़ है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि यार या तो ये शख्स झूठ बोल रहा है, आपको आपको लाइक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो देयर आर रेड फ्लैग्स जो कि आपको कहीं ना कहीं दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन रेड फ्लैग्स को मुझे दिख रहा है जैसे आपने इग्नोर करा हो. आई थिंक इट इज अ स्पेसिफिक मैसेज, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है वो रखें. ओके, सो यहां पर ऐसी एनर्जी है जहां पर यू नो इट वेरी वेल कि अंदर से आपको पता था कि इस शख्स का कहीं ना कहीं ये चीटिंग कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर, या फिर झूठ बोल सकते हैं आपसे, मैनिपुलेट कंट्रोल कर सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं, और तो कहीं ना कहीं आपने उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करा है. ठीक है, आपने रियलिटी को इग्नोर करा क्योंकि आपके पार्टनर ने ना इन द स्टार्टिंग लाइक बहुत ज्यादा से उधर ना एनर्जी लव बॉम्बिंग बहुत ज्यादा करी, बहुत ज्यादा आपको लाइक अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है, बहुत प्यार दिखाना, हर समय आपके लिए अवेलेबल रहना. तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर इस शख्स ने बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग करी, तो आप भी कहीं ना कहीं हाईली एक्सपेक्टेड आप करने लगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी हो गई थी बेसिकली देखी जाए तो. ठीक है, और आप जो हो रिलेशनशिप के लाइक रेड फ्लैग्स को जैसे आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर ये पर्सन बहुत बड़े चीटर है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूं. मैं सिर्फ इतना आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि देखो यहां पर मुझे ना मेनली दिख रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेनली मुझे यहां पर नजर आ रही है कंफ्यूजन्स. ठीक है, मे बी इस शख्स को लेकर आपके अंदर बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन्स है. ठीक है, और ये शख्स इमोशनली ऑलमोस्ट वैसे ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं रहे आपके लिए, हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि एक साल तक या एक साल दो साल तक भी बहुत अच्छे रहे, बहुत लव वार्मिंग करी, बहुत आपको अपना फील करवाया, फिर अचानक से जैसे बदल गए, तो वो एनर्जी मुझे बेसिकली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है. और मे बी इस पर्सन की इंटेंशंस पॉजिटिव हैं आपके लिए. ठीक है, और ये दोबारा से एंट्री भी ले सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, ये दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं आपकी लाइफ में, आपसे एक और मौका मांग सकते हैं, आपसे एक और अपॉर्चुनिटी ये पर्सन जो है वो मांग सकते हैं. लेकिन यहां पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगेन अगर कोई रेड फ्लैग्स दिखे तो उन्हें इग्नोर मत करो, इट इज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन. ठीक है, क्योंकि अब ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो ये पर्सन ना थोड़ा इनका नेचर ही ऐसा है जो स्टेबल रहने वाले नहीं है, ये कंसिस्टेंट रहने वाले नहीं है, ये जल्दी से चीजों से बोर हो जाते हैं. ठीक है, एक अनस्टेबल रिलेशनशिप ये फिर से लेकर आ सकते हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, और ये अगर इस बार आपकी लाइफ में फिर से एंटर करा अगर इन्होंने, ठीक है, सो मतलब मैं अगर आपको देखो मैं यहाँ पर कोई शुगर कोटेड बातें करने नहीं बैठी हूँ, तो जितनी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. क्योंकि अगर ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं तो मेक श्योर कि ये बिल्कुल एक प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आएं, क्योंकि अगर ये प्योर इंटेंशन के साथ नहीं आएंगे, पास्ट के ग्रजेस के साथ अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे ना तो दे कैन क्रिएट डैमेज. ठीक है, क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि वो डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं आप ये फिर भी, क्योंकि पता है यू नो व्हाट, वो जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है ना, पास्ट में जो एनर्जी थी ना, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो. ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो और आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि इस शख्स के झूठ ने, इस शख्स की चीटिंग ने कहीं ना कहीं आपको बहुत नेगेटिव करा, आपकी पॉजिटिविटी जैसे इस शख्स ने छीन ली है, आपको अपनी ही एनर्जी से आपको दूर कर दिया है. ठीक है, तो आपको ये चीज फील होती है, होती है या नहीं होती है मुझे कमेंट्स में बताना. ठीक है, सो दैट्स व्हाट माय रीजन ऑफ सेइंग इज कि अगर दोबारा ये री एंट्री लेते हैं तो मेक श्योर कि आप जो हो पूरी
मतलब इनकी इंटेंशन जानकर तब इन्हें अपनी लाइफ में री एंट्री दो, ठीक है। और यहां पर मैं आपको और भी गाइडेंस देना चाहती हूँ, इट इज दैट कि आपको ना ओपन अप होकर इनसे बात करने की जरूरत है। अगर आप इनके लिए कुछ गलत सोचते हो, कुछ गलतियां हैं इनकी, ठीक है, और आप चाहते हो कि उन गलतियों को ये सुधारें, या कुछ इनके ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसे इनके एक्शंस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें इन्हें रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो यहां पर मैं आपको ये एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि आपको ना वन ऑन वन इनसे बात करनी चाहिए, इनसे कि ये बदल जाए, ठीक है। इनको टोटली आपको कहना चाहिए कि यार भाई तुम बदल जाओ या फिर मेरी जिंदगी में मत आओ, ठीक है। आपको ही थोड़ा बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, थोड़े स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये अगर बिना हील हुए पास्ट के ग्रजेस लेकर आए तो डेफिनेटली ये डैमेज करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो मेक श्योर इस बार अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं तो उन्हें इग्नोर मत करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, ठीक है, एम्परर, चेंजेस, डेथ एंड रीबर्थ। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर ये शख्स ना कुछ कन्फेस कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये कन्फेशन ना इज ऑल अबाउट जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, लाइक अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई इनकी लाइफ में फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशराइज कर रही है मैरिज करने के लिए, करियर की तरफ फोकस करने के लिए, तो ऐसा कोई कन्फेशन बेसिकली ये आपके सामने कर सकते हैं, ठीक है, और आपको बता सकते हैं कि क्यों ये आखिर आपको छोड़कर गए। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली कुछ कन्फेशन भी इनका नजर आ रहा है, यानी कन्फेशन की एनर्जी भी है, ठीक है। कुछ ऐसी बात आपको आकर ये बता सकते हैं जो मे बी इन्होंने आज तक आपको नहीं बताई है, ठीक है, कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके साथ लॉयल क्यों नहीं रहे, और मतलब दूर क्यों गए, ठीक है। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि अब जो भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाई बट मुझे यहाँ पर यही एनर्जी देखने को मिल रही है, बट अब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो बहुत ज्यादा लाइक अभी भी इनकी ना एटीट्यूड, इनका वो ईगो अभी तक ओवर नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो ऑल व्हाट आई कैन सी इज दैट कि ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे ना तो आपसे बात भी कर सकते हैं, आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बात करेंगे जैसे इनमें बहुत बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो है, ठीक है, और आपको ना कहीं लाइक इनका वो सॉरी सॉरी भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको देना चाहते हैं, इट्स नॉट दैट कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं देना चाहते, ये बात कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी की बात जरूर आकर कहेंगे, लेकिन एक वो ग्राउंडेडनेस होती है ना, ग्राउंडनेस यानी ग्राउंडेड होकर बात करना, नीचे होकर बात करना, वो नहीं कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि जब आपको ये अप्रोच करते हैं तो ये ग्राउंडेड होकर आप बात नहीं करेंगे, ये अगर आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ कन्फेस करेंगे, आपको अगर सॉरी बोलेंगे, आपको अगर रीजंस भी बताएंगे ना, तो आई थिंक सो कि आपको ना उनमें एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये शख्स ऐसे आकर बात कर रहा है जैसे ये मुझ पर एहसान कर रहा है कोई, ठीक है, तो लिटरली आपको ऐसा फील होने वाला है। तो जो भी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ भी ऐसा आपको फील होता है तो इट इज़ नाउ नेसेसरी कि आप इस शख्स से वन ऑन वन बात कर इनसे चीज़ें क्लियर आउट करना बेटर रहेगा, ठीक है, रादर देन चीज़ों को दिल में रखना, ठीक है। एक वक्त पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक फायरी हो चुका था, ठीक है, कार्मिक, अगर इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हैं तो ये उन कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में भी कहीं ना कहीं लाइक आपको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन ये आएंगे जरूर, लेकिन मैं इतना फॉर श्योर 100% कह सकती हूँ कि इनकी इंटेंशंस गलत नहीं है आपके लिए, ठीक है, इनके बिल्कुल भी इंटेंशंस गलत नहीं है, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये ना रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से हैं और ये रियलिटी को एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ना उसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए ऐसा है कि ये अपने इमोशंस ना खुलकर नहीं शो कर पाते, ये बहुत प्रैक्टिकल बनकर रहते हैं, अपने इमोशंस से भागते हैं क्योंकि ये अपने इमोशंस को ना फेस नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा लगता है इमोशंस को फेस करना इज अ पार्ट ऑफ वीकनेस, ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है, तो वो अपने इमोशंस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस कुछ भी नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, हो सकता है इनकी लाइफ में फाइनेंशियली चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर अगर देखो पैसों का कुछ लेन देन आप दोनों के बीच में अगर हो रहा है तो उससे रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा, ठीक है।
मतलब अगर आप इन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो या अगर ये आपसे फाइनेंशियली कोई आकर हेल्प भी मांगते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी कि आपको फाइनेंशियली उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पैसों का लेन देन यहाँ पर जो है वो खराब कर सकता है आपके रिलेशनशिप को. तो मेक श्योर आप इनसे पैसों का लेन देन ना करो, ठीक है. हाँ, आपको डेफिनेटली, मैं यहाँ पर ये मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि इनकी हेल्प मत करो, डेफिनेटली इनकी हेल्प करो, लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इनकी हेल्प मत करो, उतने लेवल तक करो जितना आपकी ज़रूरत है, ठीक है. सो ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली आज मुझे देखने को मिली. फाइन, तो लेट अस चेक आउट सम ऑफ द मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं. आप उन्हें अपने प्यार में पागल कर देते हो, वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे अपने प्यार में पागल कर देते हो, जैसे तुम बात करती हो, जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ठीक है. मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ, जो कुछ भी मैंने पास्ट में करा, जो भी झूठ बोले, तो उन सब चीजों के लिए गिल्टी हैं. और जो भी झूठ बोले अब वो झूठ हटाकर सच आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है. सच का पर्दा कहीं ना कहीं फाश हो सकता है, ठीक है. वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आप उनके पिक्चर्स को किस करते हो, एंड सच अ रोमांटिक फीलिंग. वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, ठीक है. एंड क्या तुम मुझे जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ, क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करोगी या करोगे? क्या हम पास्ट को भुलाकर फिर से दोस्त नहीं बन सकते हैं? जबकि यहाँ पर सिर्फ दोस्ती की फीलिंग नहीं है, दोस्ती से बढ़कर है आपका रिलेशनशिप, और वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं. यहाँ पर एनर्जी है, जब मैं तुमसे मिला था तब मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी, ठीक है. वो आपको टच करना चाहते हैं. मे बी यहाँ पर मुझे ऐसी इंटेंशन भी उनकी दिख रही है, जहां पर आपके पार्टनर जो है इन स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ उनकी लस्ट की एनर्जी या फिजिकल एनर्जी ही मतलब यहाँ पर रही है आपके लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जेन्युइनली इमोशंस उनके अंदर डेवलप हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है. वो एक इमोशनल साइड आपके साथ फील करते हैं, राइट. सो दिस इज द मैसेजेस. चलो कुछ गाइडेंस भी, एक गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, प्लीज गाइड करें. आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है. या फिर ओके, यहाँ पे काफी कार्ड्स गिरे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव इज शो द वर्ल्ड रियल यू. यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको भी ना कुछ लाइक रिलीज करने की जरूरत है, कुछ छोड़ने की जरूरत है, कुछ लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है. एंड इट इज स्पेसिफिकली ऐसा मैसेज है ये कि अगर पास्ट की आप कुछ ग्रजेस अगर आप भी होल्ड कर बैठे हो, अगर आप भी अभी तक हील अप नहीं हो पाए हो, हील्ड नहीं हो पाए हो, तो आपको भी जरूरत है पास्ट की उन बातों को भुलाकर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की, ठीक है. आपको बदलने की जरूरत है स्पेसिफिकली इस शख्स के साथ, ठीक है. इस शख्स के साथ आपको जरूरत है कि आप थोड़े अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, और वही और कुछ बाउंड्रीज सेट करो, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो, ठीक है. डोंट लेट एनीवन डिसरिस्पेक्ट यू, ठीक है. वर्ल्ड को दिखाओ कि आप क्या हो, आपकी भी अपनी आइडेंटिटी है, आपको वही चीज वर्ल्ड को भी, इस पर्सन को भी शो करनी है, ठीक है, कि आप क्या हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है. ओके, सो दैट्स व्हाट द मैसेज फॉर टुडे. सो आई थिंक सो काफी ब्यूटिफुल रही आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके लिए आज रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें. This is all for today. Thank you so much. Bye-bye and do take care.